आज है फीफी पे हमारा सेकेंड डे, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट रेडी होके हम निकलने वाले, बाकी जो आइलैंड है वो कवर करेंगे आज। तो चलते सीधा ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में बीच का व्यू देखिए आप, अमेजिंग व्यू। अभी जहाँ रुकी हूँ वहाँ का पूल दिखाती हूँ व्यू जो है। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि हमको बाकी सब एक्टिविटीज करनी है, तो अंदर मैंने बिकनी पहन लिया है। चलते सीधा। तो ये बोट जो है हमने प्राइवेट रिजर्व किया हुआ है, बुक किया है हमने, तो इसमें ही 3 घंटा भी बिताने वाले। सब अलग अलग जो प्लेसेस है आइलैंड के वहाँ जाएंगे। हम निकल चुके हैं। बहुत वेव्स आ रहे हैं, देखिए हमारा जो बोट है पूरा उछल रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जहाँ जाना है वो देखिए। तो गाइस अभी स्नॉकलिंग के लिए मेरे सिस्टर पहले ट्राई कर रही है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी आराम से। दीदी देखो पानी, खड़े रह सकते हो? नहीं। नजदीकी रहे तुम। हाँ फिश है, मिनी फिश है, देखना देख गाइस, ये देखिए छोटे छोटे फिश है।
लो खड़ा हो गया मत तू मत मत चल रहा हो ना आज नो फिट ये सुन नहीं है ना क्या दो मम्मी दो जरा गाइस ये है मायावी बीच और ये बीच बहुत फेमस है। यहाँ जाने के लिए पर पर्सन आपको देना पड़ेगा 400 baht। हम नहीं जा सकते बिकॉज मेरा भाई का तबीयत बहुत खराब हो चुका है, वो लिटरली वॉमिट कर रहा है, तो हम बैक टू होटल जा रहे हैं। चलो अभी चलते हैं सीधा रूम में। सो गाइस आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर तो करेंगे नहीं बट थोड़ा बहुत सोच रहे थोड़ा आइसक्रीम या कुछ, क्योंकि हम 4 बजे के करीबन हम लंच किए और पेट में जगह नहीं है बिल्कुल। तो कल हम निकलने वाले सुबह फुकेत के लिए, फुकेत में हमारा स्टे है। सो मिलते सीधा हम फुकेत में। और इसके अलावा अभी मैं जैसे निकली होटल से तो देख रही हूँ यहाँ पर बीच पार्टी हो रहा है, तो कोशिश करूँगी जब तक मैं वापस आऊँ तब तक अगर रहेगा तो थोड़ा सा वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी।
चलो